मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जय हो लोट धरन पर अब ही तेरी गोद न एहो। बताओ बच्चों किसका पद है? सूरदासी का पद है। हाँ मोहन, सूरदासी के बारे में कुछ जानते हो? यस सर। बताइए। सूरदास जी भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। बहुत अच्छा। सूरदास जी भक्ति काल के बहुत बड़े कवि हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है और उन्होंने सूर सागर जैसा महान ग्रंथ लिखा है। आज जो पद हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं उसमें सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा की एक बड़ी ही सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। पद में जो वर्णन है वो इस प्रकार है कि बालक कृष्ण नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं और अभी उन्होंने घुटनों के बल चलना सीखा है। माता यशोदा ये चाहती है, जैसा कि हर माँ चाहती है, कि उसका बच्चा जल्दी जल्दी पैरों पर चलना सीख जाए। तो माता यशोदा ये चाहती है कि उनका बच्चा पैरों के बल चलता हुआ माँ की गोद में आ जाए। मन में यही भाव रखकर माता जो है वो कृष्ण को बुलाती है और कृष्ण माँ की आवाज सुनकर तेजी से दौड़ते हुए घुटनों के बल उनकी गोद में चले जाते हैं। ठीक, तो पहले ये पद एक बार मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप लोगों से भी पढ़वाऊंगा। ठीक। नंद धाम खेलत हरि डोलत, जसुमत करत रसोई भीतर आपन किलकत बोलत, टेर उठी जसुमति मोहन को आवो चरण चलाई, बैन सुनत माता पहचानी चले घुटुरवन धाई, लय उचाई अंचल ते पोछी धूरी भरी सब देह, सूर प्रभु जसुमत रज झारत कहा भरी ये खे। ठीक। अच्छा मोहन, अब इसको तुम पढ़ो। नंद धाम खेलत हरी डोलत, जसुमत करत रसोई भीतर अपनु किलकत बोलत, तेर उठी जसुमत मोहन को आओ चरण चलाई, बहन सुमत माता पहचानी चले गुटुवन धाई, लय उचाई आंचल से पहुंच भूरी भरी सब देह, सुर प्रभु जसुमंत रज रज जाफरत कहां भरी ये खे। अच्छा ठीक। अच्छा एक बार इस पद को और जो है वो राधा से पढ़वाते हैं। राधा अब ये पद तुम पढ़ो। नंद धाम खेलत हरि डोलत, जसमत करत रसोई भीता अपन किलकत बोलत, टेरी उठी जसमत मोहन को आवो चरण चलाई, बेन सुनत माता पहचानी चले घुटुरवन धाई, ले उचाई आचल ते पोछी धूरी भरी सब दे, सूर प्रभु जसमत राज झारत कहां भरी यखे। बहुत अच्छा। तो अब जो है इस पद में जो कठिन शब्द है उन पर हम थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे। ठीक ना? हाँ। तो भाई धाम का मतलब मोहन क्या है? घर। सच बताया तुमने, बहुत अच्छा। धाम का मतलब घर होता है। ठीक। अच्छा सुकन्या अब तुम बताओ, टेरी का मतलब क्या होता है? बुलाना। बहुत अच्छा। टेरी का अर्थ बुलाना होता है। पार्थ अब तुम बताओगे कि बैन का क्या अर्थ होता है? बोलो पार्थ, बैन का क्या अर्थ होता है? वाणी। शाबाश, बैन का अर्थ वाणी होता है। अच्छा भाई सुविज्ञा अब तुम बताओगी कि घुटुरवन का क्या अर्थ होता है? घुटनों के बल। ठीक। अच्छा मोहन अब तुमने इस पद का पाठ किया, अब मैं राधा से कहूंगा कि राधा तुम इसका पाठ करो। राधा से पाठ करने को कहो। नंद धामत खेलत हरि डोलत, जसमत करत रसोई भीतर आपनु किलकत बोलत, तेरी उठी जसमत मोहन को आवत चरण चलाई, बेन सुनत माता पहचानी चले गुटुरवन धाई, ले उचाई आचल ते पोछी धुरी भरी सब दे, सूर प्रभु जसमत रज झारत कहां भरी यखे। शाबाश। तो आप लोगों ने इस पद का बहुत ही अच्छा पाठ किया।
अब मैं आप लोगों से कुछ इसके शब्दों के अर्थ पूछूंगा। नीलम, अब मैं तुमसे एक शब्द पूछता हूँ, ये बताओ कि रज का क्या मतलब होता है? रज का होता है धूल। ठीक, रज का मतलब धूल होता है। ठीक बच्चों, तो ये बताइए, तुम बताना कि इस पद में सूरदास ने किसका वर्णन किया है? इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण का वर्णन किया है। ठीक, इस पद में सूरदास ने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। ठीक, कृष्ण भगवान उस समय नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। हाँ, तुम बताओ कृष्ण भगवान कहाँ खेल रहे हैं? कृष्ण भगवान नंद बाबा के घर में खेल रहे हैं। बहुत अच्छा, कृष्ण भगवान नंद बाबा के घर में खेल रहे हैं। ठीक पार्थ, तुम बताओ कि जिस समय कृष्ण भगवान नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं उस समय यशोदा जी कहाँ हैं? उस समय यशोदा जी रसोई में हैं। बहुत अच्छा, जिस समय कृष्ण भगवान खेल रहे हैं उस समय माता यशोदा रसोई में हैं। अच्छा ये बताओ राधा कि कृष्ण को देखकर माता यशोदा ने क्या किया? कृष्ण को देखकर माता यशोदा ने उसे गोदी में उठा लिया। कृष्ण को देखकर माता यशोदा ने उसको गोदी में उठा लिया। गोदी में कृष्ण को माता यशोदा ने इसलिए उठाया कि बच्चा कृष्ण घुटनों के बल चलकर माँ के पास आया था। ठीक, अच्छा ये बताइए कि कृष्ण के पूरे शरीर में क्या लग गई थी? धूल। धूल लग गई थी, बहुत अच्छा। धूल क्यों लग गई थी? क्योंकि कृष्ण भगवान यशोदा जी के आंगन में खेल रहे हैं और आंगन में तो भाई धूल होती ही है। ठीक, अच्छा ये बताइए कि यशोदा जी ने कृष्ण को गोद में लेकर धूल कैसे पोछी? आंचल से। ठीक, बहुत अच्छा, आंचल से माँ जो है अपने बच्चे को दुलारते हुए पुचकारते हुए उसका स्वागत करती है। तो कृष्ण भगवान की धूल को माता यशोदा ने अपने आंचल से पोछा। सब कुछ समझ में आ गया? हाँ। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे और पूछता हूँ, ये बताइए कि कृष्ण भगवान पैर के बल चल के माँ के पास गए थे कि घुटनों के बल माँ के पास चल के गए थे? घुटनों के बल माँ के पास गए थे। शाबाश, बहुत अच्छा। ठीक, तो ये पद आपकी समझ में पूरी तरह से आ गया? हाँ गुरु जी। ठीक है, अच्छा, तो पुनः मिलेंगे तो अगले पद की हम चर्चा करेंगे। ठीक।